नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबका डिफिडेस में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आ चुका हूं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे सब्सक्राइबरों की ये प्रॉब्लम जो है वो सामने निकल कर आ रही है इस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि हमारे जो बॉक्स में है नो सिग्नल दिखा रहा है और सिग्नल में 0-0 दिखा रहे हैं, उसको किस प्रकार से यहाँ पर सिग्नल को सही किया जाए, किस तरीके से यहाँ पर इसको सही करा जाए और जिससे हमारे बॉक्स में चैनल्स जो है वो रिसीव हों और जो चैनल्स रिसीव हों उन सभी चैनलों पे सिग्नल्स भी देखने को मिले। दोस्तों इस सभी प्रक्रिया को अगर आप करते हैं, आप सभी के सिग्नल्स जो है नहीं आते हैं और आप बॉक्स में सभी चैनल को डिलीट भी कर देते हैं, जिससे आप सभी को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने को देखने को होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो को अगर आपके बॉक्स में यही प्रक्रिया यही समस्या देखने को मिल रही है, सिग्नल क्वालिटी और जो है जिसका नीचे सिग्नल्स होता है, जब दोनों सिग्नल 0-0 है और यहाँ पर आपको सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को आप कंटिन्यू एंड तक वॉच कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिलने वाले कि आप इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से आप सॉल्व करते हो। दोस्तों आप सभी अगर इस ये प्रॉब्लम आ जाती तो आप सभी अपने डीटीएच का सिग्नल्स वायर सभी कुछ को सभी में आप छेड़छाड़ करना शुरू कर हो जाता हो और काफ़ी लोग तो इस अपने बॉक्स को ही चेंज कर डालते हैं, तब पर भी ये प्रक्रिया जो है वो कंटिन्यू बनी रहती है। दोस्तों ये प्रक्रिया आखिर क्यों दिखती है और हमारे बॉक्स में ऐसा क्यों हो जाता है कि जो क्वालिटी है और जो स्ट्रेंथनिंग सिग्नल रहता है जो जिस पर हमारे लिए 0-0 जाते हैं, क्वालिटी जो है वो अनलॉक नहीं होती। तो दोस्तों लॉक यहाँ पर चैनल सिग्नल्स कराने के लिए हम काफ़ी सारी बार छतरियों को भी हिला के थक जाते हैं, बट जो सिग्नल्स है वो नहीं आते हैं और आप सभी अपने डीटीएच के पीछे वाला वायर भी लगाते हैं और उसको निकालते हैं, तो इस तरीके से 0-0 सिग्नल्स जो है वो देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये समस्या जो है वो आम है और इस समस्या को आप आसानी से दूर कर सकते हो, कुछ जो है बातों को आपको समझना होगा इस वीडियो में, आपको कंटिन्यू एंड तक देखना होगा और मैं आप सभी को चला कर भी दिखाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आप सभी को पूरा लाइव बिल्कुल डेमो के साथ बताने वाला हूं कि आखिर में जो प्रक्रिया है इससे किस प्रकार से आप साधारण से तरीके से आप इससे छुटकारा पा सकते हो। दोस्तों देख सकते हो जैसा कि मैं आप सभी को सभी चैनलों को चलाकर दिखा रहा हूँ, सभी चैनलों पर यहाँ पर सिग्नल जो है वो 0-0 आ रहे हैं। दोस्तों चलिए मैं अभी पहले छत का वायर ठीक करता हूँ, छत का वायर ठीक नहीं हुआ तो मैंने जो डीटीएच के पीछे वाला वायर है उसको मैंने सही किया और सिग्नल देख सकते हो भाई तुरंत से आ गए। मतलब ये कैसे हुआ आपको मैं इस वीडियो में कंटिन्यू एंड तक बता रहा हूँ। देख सकते हो जैसा कि अभी हमारे बॉक्स में सिग्नल आ चुके हैं और सभी चैनल प्रॉपर तरीके से यहाँ पर वर्क भी करने लगे हैं, सभी चैनलों पर सिग्नल्स भी आ चुके हैं। चलिए अब एक बार मैं बॉक्स को स्कैन के लिए लगाता हूँ, स्कैनिंग के लिए मैंने अपने बॉक्स को लगा दिया है और आप सभी इसी प्रकार से ऑटो स्कैन भी करते हो, सोचते हो कि ऑटो स्कैन करने से तो सारे चैनल्स वापस आ जाते हैं और चलने भी लगते हैं। तो दोस्तों ये प्रक्रिया जो है आप सभी को थोड़ा समझने वाली है, थोड़ा ये प्रक्रिया जो है वो आप सभी के लिए, अगर नए यूज़र हो तो आपको ये प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं है तो इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक वॉच कीजिए, तब जाकर आप सभी को पूरी जानकारी जो है वह मिलने वाली है। क्यों दोस्तों अभी अगर आपके पास चैनल्स नहीं आते हैं और आप जो है अपने डिश को भी हिला हिला के थक जाते हो और आपके डिश में भी सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं तो आपको ये प्रक्रिया करना ज़रूरी होगा। सबसे पहले आप सभी को आपको जाना होगा अपने छत के डीटीएच की जो छतरी होती है, जो आपको आउट केबल जिसको बोलते हैं, जो कि डीडी फिडिस के बॉक्स में आकर लगती है केबल पीछे साइड, तो उसको इनपुट को आपको पहले सही से चेक कर लेना होगा। ऊपर से NLV को वायर जो आउटपुट की ओर आता है उसको आपको पहले सही से चेक कर लेना होगा, वायर कहीं निकल तो नहीं गया है या नट तो नहीं ढील हो गए हैं। अगर नट आपका निकल गया है या तो वायर आपके निकल गया है तो आपको उसको अच्छे तरीके से काट के बढ़िया तरीके से फुचड़े वगैरह को निकाल के आपको सही तरीके से एक बार फिर से लगाना होगा अपने NLV पे। फिर उसी तरह अगर प्रॉब्लम अगर आपके डीटीएच के नीचे वाले में वायर में भी देखने को मिल रही है उसको भी आपको सही तरीके से लगाना होगा। अगर अन्यथा अगर आपका जो वायर को सही तरीके से नहीं लगाते हो, ज़बरदस्ती उसमें पीछे उसके जैसे कि बॉक्स के पीछे अगर आप NLV का वायर इंजेक्ट करते हो तो उससे आपका बॉक्स जो है वो डेड भी हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे में इस छोटे से प्रॉब्लम के चक्कर में आप सभी बड़ी समस्या बना लेंगे तो ऐसे में आप सभी पैसे के भी लॉस होने वाली है और आप सभी काफ़ी सारे बार ये प्रॉब्लम को लेकर आप परेशान हो जाते हो बट आपके बॉक्स में सिग्नल्स नहीं आते हैं। तो दोस्तों इसका सिग्नल सीधा सीधा यही एक उपचार है, अगर इससे भी जो है आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं होती जो प्रक्रिया मैंने बताया तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको DTH नहीं चेंज करना है। सबसे पहले आप सभी को अपने बॉक्स का जो आउट और इन ऊपर से वायर आता है उस वायर को चेक कर लीजिए, कहीं वायर
टूट तो नहीं गया है या न था कहीं वायर चूहे वगैरह से कट तो नहीं गया, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे बार ये ही प्रक्रिया जो है सामने आ जाती है और वायर इधर उधर से आया रहता है जिसको चूहे लोग यहाँ पर चूहे वगैरह जैसे जानवर काट देते हैं। तो इन सभी से आपको छुटकारा पाने के लिए सिंपल सा पहले आपको पूरा वायर को चेक कर लेना हो एक बार अच्छे तरीके से, कहीं वायर मेरा टूट तो नहीं गया है। अगर वायर आपका कहीं भी इकट्ठा हुआ है, टूट गया है, तो उसको आप जोड़ सकते हैं, तो जोड़ने ना जोड़ पाए अगर आपको समस्या आ रही है जोड़ने में, तो आप सभी अपने बॉक्स का जो वायर है उसको पूरा चेंज कर ले, नया वायर लगाने आने तक। अगर इसी तरीके से अगर आपका प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने मन से अपना प्रयोग करते हो, तो दोस्तों ऐसे में आप सभी को नुकसान भी झेलना पड़ सकता है और आपका जो डीटीएच रहता है वो डेड हो जाएगा। फिर उसके बाद से आप सभी हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट्स करोगे कि जो आपने बताया इससे मेरे बॉक्स का सिग्नल जो है वो जा चुका है। बॉक्स के पीछे आप सभी ध्यान से देखते होंगे तो एक वायर का लगाने के लिए एक छेद दिया होता है, अगर उसी छेद के अन्यथा बाहर किसी जगह पर आप चेक करते हैं तो बॉक्स में शॉर्ट सर्किट के कारण से आपका जो बॉक्स है वो डेड हो जाएगा। उसके बाद से आपके बॉक्स में दोबारा सिग्नल्स नहीं आएंगे और आपका बॉक्स दोबारा से ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों ये सब आपको छोटी छोटी जो समस्या रहती है वो आपको सही तरीके से और अच्छे ढंग से समझना होगा, तभी जाकर आपके डीटीएच में जो है सिग्नल्स वो जो प्रॉपर तरीके से रिसीव हो पाएंगे। और ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है गाइस, ये बहुत ही आसान सा तरीका है इसको सॉल्व करने का। और जैसा कि मैंने देखो, जैसा कि मैंने छत पर गया वहाँ पर भी सिग्नल्स नहीं आया उससे भी, और मैंने जैसे डीटीएच के पीछे वाला वायर को सही तरीके से नट को कसा, तुरंत से सिग्नल मुझे रिसीव हो गए और मैं अभी सभी चरणों को देख पा रहा हूँ दोबारा से अपने डीटीएच में। तो दोस्तों अगर आपको भी ये समस्या थी, अगर आपकी समस्या अगर उम्मीद नहीं पूरा बल्कि विश्वास है कि इस समस्या से आप छुटकारा पा लिए होंगे, अगर आपको सिग्नल जो है आपके बॉक्स में रिसीव हो रहे होंगे, अगर इस प्रॉब्लम से अगर आपको छुटकारा मिल गया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और आप हमारे इस चैनल पर ऐसी ही भरी जानकारी आपको जानना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल पर आने वाले भविष्य में ऐसी ही जानकारियां आप सभी को दिए जाने वाली है। और आप सभी इन तरीके से सिग्नल जो है, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम से आप सिग्नल लाकर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्व सोल्यूशन कर सकते हो, जिससे आप सभी के बॉक्स में सभी चैनल कवर यानी रिकवर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये कोई प्रॉब्लम जो है बड़ी नहीं है, बहुत ही आसान सा तरीका है। आपको डीटीएच या अथवा छतरी का वायर को सही से चेक कर लेना होगा, तब जाके आपके बॉक्स में जो सिग्नल से वो आसानी से प्रॉपर तरीके से कवर होने लगेंगे। और अगर आपका सिग्नल ऊपर वाला अगर 98 या अथवा 80 प्लस है तो आपका सिग्नल जो है डिश एंटीना से प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उससे है प्रॉब्लम तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो के लिंक से आप डिश एंटीना भी सेट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।